अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान को छुट्टियाँ हैं तो 2 दिन छुट्टियाँ रह गई हैं, इस छुट्टियों का भी फ़ायदा उठाते हैं। हमने उस्मान को ड्राइवर बना के रखा हुआ छुट्टियों में। आज हम जा रहे हैं उस्मान के दोस्त के घर, उन्होंने शिफ्टिंग की है तो रोता रमज़ान से पहले पहले उनके घर होके आते हैं। ज़्यादा तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए था ना वैसे उस्मान, गिफ्ट ना फिर रमज़ान में ले जाएंगे। अभी जस्ट वैसे ही उनके घर से ना चेंज होके वाले आते फ्लैट हैं, बुक नहीं रमज़ान में चले जाएंगे, अब टाइम नहीं है। उस्मान ने वापस आके ना कहीं और भी जाना है, तो फिर हमने सोचा जल्दी से जाते हैं। रेड वेलवेट केक है, कितना प्यारा है ना ये वाला रेड वेलवेट केक। इधर से ले लेते हैं क्या? मैंने कहा ये बड़े वाले हैं ना, इधर से लेते हैं। कौन सा वाला लेना मुझे बताओ ना। ये वाला ले लेते हैं, वाइट और रेड वाला। डी ग्राउंड से घूम के फिर आगे जाना पड़ेगा, फिर जहाँ से डॉक्टर के पास जाते हैं उस तरफ के, उस तरफ से चले जाते हैं। चले देख ले, यहाँ फोन करके ना पूछ लेते हैं उनसे कि कौन उधर जाके कौन से वाला रास्ता है। जैफा जैफा अपने लेट के तमाशे कर रहा है। जैफा जूस पीना है आपने? दूँ आपको जूस? चलो जूस पीना है आपने क्या? जैफा कैसे डरावने मुझे देख रहा है, ये आपने रखी है जैफा के लिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं ये इधर को ना उल्टेगा, इधर ही ठीक है। ओ जैफा के लिए ना यहाँ पर। उसे पता चल गया था हम कहीं और आए हैं किसी घर में। कहाँ पे आए हैं आप? ये कहाँ हैं आप? ये कहाँ हैं बताओ? टेरेस भी, टेरेस पे जगह नहीं है जिससे गुजरने के लिए? जगह है टेरेस पे गुजरने के लिए इधर से? अच्छा वो ये छोटा सा टेरेस है, ठीक हो गया। जैफा को हमने नीचे बिठा के आए हैं, भाई को कहा कि जैफा के पास बैठे हो। जैफा इतना ज़्यादा खुश हो रहा है ना, और भाई के जो बच्चे हैं ना वो ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं, तो इसलिए जैफा को कंपनी देने वाला कोई नहीं है। तो हम छत देखने आए थे ऊपर, मैंने कहा छत देख के आते हैं, और फर्स्ट फ्लोर भी मैं देख के आई हूँ, सेकंड फ्लोर भी देख लिया। चले गर्मियों में ना यहाँ पर आसानी से चार पाई भी रख के ना सो सकता है। बगैर चार पाई के वापसी पर आते हुए ना इस शॉप के पास से गुजरे तो उस्मान कहते कि आज ना आपको ना इधर के समोसे ट्राई करवाता हूँ, ये डी ग्राउंड के ना फेमस समोसे चाचा समोसे शॉप। तो फिर हमने इधर से ना 3 समोसे लिए, मैंने कहा भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, उधर चाय और केक वगैरह खा लिया था, और यहाँ से समोसे लेके फिर हम वापस घर आ गए थे। चाचे की चटनी, चाचे की मीठी चटनी। चाचा ही था उनकी शॉप का नाम। तुम्हारा लग गया?
मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा मुझे नहीं मशहूर का पता, मैंने की पता, मैं तो साहिवाल दी हूँ। लो भी चाचे दी जी मिट्टी वो जिन्हें चटनी समोसा पूरे फैसलाबाद पता लग गया था। डी ग्राउंड समोसे फैसलाबाद में पता। काश उस्मान उत्थे काम करते होंगे ना तुसी, ते मैं भी उत्थे रोज आया करना सी। मैं कहना सी मैं उस्मान बैंक वाले दी बुढ़ी हाँ, एक समोसा एक मेरे सैम्स वाले भी फ्री खाते हैं सैम्स को। सैम से फ्री खाते रहे हो तो हमारी दफा क्यों पैसे लिए उन्होंने। कहना सी मैंने फिर डी ग्राउंड वाले ना ब्रांच भेजो, मैं उत मैं उत्थे तो चंद्राहट दिखा रहा सी अपनी। काम चाचे चाचे के समोसे खाने लगे डी ग्राउंड वाले चाचे के समोसे, जो कि उस्मान कह रहे हैं काफ़ी फेमस है। ना सैलड है मैं देती हूँ अपनी ठहरे, अभी मैं समोसा चेक कर लूँ और इनकी मीठी चटनी चेक कर लूँ कि हमारे बाबर चौक वाले समोसे अच्छे हैं या इनके अच्छे हैं। अच्छा लेकिन ना चटनी जो है ना डी बाबर चौक वालों की अच्छी है, ये मीठी बहुत है। इस वक्त रात के ना 10 बज चुके हैं और ये वाला काम जो है ना ये मेरा दोपहर में बीच में ही रह गया। मैं अभी ये कट ही कर रही थी तो उस्मान कहते हैं कि जल्दी से बस ना चेंज करें और ना दोस्त के घर जाना है अभी। तो फिर मैंने अभी गोभी जस्ट कट की थी और शिमला मिर्च कट कर रही थी, तो फिर मैंने ये छोड़ कर फ्रिज में रखा है इनको। और फिर ना हम उनकी तरफ चले गए, वहाँ से वापस आए तो उस्मान अपने दोस्त की तरफ चले गए। फिर उजैफा को खाना वगैरह खिलाया सुला के, इसको अब 10 बजे हैं। फिर मैंने अब ये गाजरें कट की हैं और ये शिमला मिर्च थोड़ी सी कट करने वाली रहती थी वो कट की है। मैं ना थोड़ा सा कुक करूँगी, स्पाइसी थोड़ा सा कर दूँगी इनको, काली मिर्च और कुछ सॉसेस वगैरह डाल के स्पाइसी सब बना लूँगी और ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, क्योंकि इनके मैंने बनाने हैं रोल जो कि मैंने फ्रीज़ करने हैं रमज़ान के लिए। तो ये बस इसी तरह के कामों में सारा दिन गुजर जाता है। आज मैंने सफाई वगैरह की अच्छी तरह से, सेंध धोया जो छत वगैरह जाले वगैरह उतारे साफ़ किए, बस इसी तरह के कामों में ना 1 वीक हो गया मेरा, कोई ना कोई काम इसी तरह का निकल आता है। तो रमज़ान में फिर थोड़ा सा सुकून हो जाएगा, इसलिए अब इनको मैं बना के रेडी करके ना ऊपर फ्रीज़ कर दूँगी, तो रमज़ान मेरे ना आसानी से गुजर जाएंगे। शुक्र है रमज़ान से पहले ही ना मैंने ये फ्रिज भी साफ़ कर ली थी और इधर ना मैंने कुछ चीज़ें फ्रीज की हुई हैं। और ये हुज़ैफ़ा के लिए चिकन पड़ा हुआ है और ये कीमा रखा हुआ है और इधर मक्खन पड़ा हुआ है और ये जो भलाई वगैरह उतारती हूँ ना ये यहाँ रख लेती हूँ। और ये मैंने ना इधर चटनी बना के फ्रीज़ कर ली है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब खुलेगा नहीं डब्बा, इसमें चटनी बना के ना मैंने फ्रीज़ की हुई है दही वगैरह में डालने के लिए। और ये मैं नगट्स लेके आई थी तो ये फ्रीज़ की हूँ मैं, इसमें 3-4 निकाल के फ्राई कर लेती हूँ, ज़्यादा फ्राई चीज़ें खानी होती। और इस डिब्बे में ना मैंने दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने रोल बना के रखे हुए हैं, ये देखिए। इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्राई ना खानी होती है, अभी 2-3 या 4 रोल फ्राई करूँगी और इसमें से नगर 3-4 फ्राई करूँगी और चिप्स जो फिंगर चिप्स होती हैं वो बनाऊँगी बस। तो ये देखिए ये मैंने फ्रीज़ करके ना रख ली हैं, तो आसानी से ना अब निकाले और फ्राई किया बस काम ख़त्म मेरा। इनको बच्चे रख देती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ ज़ैफ़ा के लिए ना कीमा निकाल के ना कीमा बना देती हूँ ज़ैफ़ा का।